Tá lá? मुरली में नेक्स्टू गॉड के बारे में चार नाम बोले हैं. नेक्स्टू गॉड शंकर और प्रूफ भी है. भक्ति मार्ग में क्या प्रूफ है नेक्स्ट टू गॉड शंकर का? शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम ही 33 करोड़ देवताओं के बीच जोड़ा गया है और शिव के साथ कोई का नाम नहीं जोड़ा गया है. और नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण शिव बाबा ही आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश करने के बाद रचयिता बनते हैं. और रचयिता की फर्स्ट क्लास रचना कौन? कृष्ण. जो फर्स्ट क्लास रचना है वो अव्वल नंबर रचना है. 33 करोड़ देवताओं के बीच में इतनी फर्स्ट क्लास रचना और कोई भी नहीं है. और महिमा भी है. कृष्ण की महिमा है, राम की भी इतनी महिमा नहीं है. भक्ति मार्ग में कृष्ण की बहुत महिमा है. तो इस हिसाब से भी नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण. प्रैक्टिकल में भी देखा जाए शिव तो बिंदी का नाम है. शंकर मिश्र आत्माओं के पार्ट का नाम है. जैसे बीजों का संकरण होता है, अनेक पौधों का संकरण हो जाता है, तो वो कोई एक पार्टधारी का नाम नहीं है. लेकिन कृष्ण जब कहेंगे तो उसका अर्थ होता है आकृष्ट करने वाला, खींचने वाला. तो खींचने का काम बिंदी करेगी या साकार करेगा? साकार ही करेगा. शंकर में शिव तो निराकार है. राम वाली आत्मा किसको खींचती है? किसी को भी नहीं. फिर वो एकलव्य नहीं हो सकती. अगर बुद्धि से एक के अलावा औरों को भी खींचती है तो फिर उसको एकलव्य नहीं कहा जा सकता. वो सिर्फ एक को याद करने वाली है. एक की याद करने से ही उससे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो सकते हैं. सबसे ज्यादा पाप प्रजा ने किए हैं, साहूकारों ने किए हैं, राज्याधिकारियों ने किए हैं, राजाओं ने किए हैं या महाराजाओं ने किए हैं या महाराजाओं को महाराजा, राजाओं को राजा बनाने वाले पार्टधारी ने किए हैं.
वो पाटधारी कौन है? आदि पिता। तो जो बहुत पाप करने वाला है उसके पाप सिर्फ याद के बल से ही कट सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। वो अगर और आत्माओं को आकर्षित करेगी तो पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? और ही बढ़ेंगे। इसलिए उसका पार्ट तो अलग है। इसलिए मुरली में बताया, शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। न समझने के कारण घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय के चक्र में गिरते पड़ते रहते। इसलिए राम वाली आत्मा और आत्माओं को आकर्षित नहीं करती है, फिर कौन करता है? कृष्ण वाली आत्मा ही आकर्षित करती है, खींचती है। खींचती भी है और फिर लताड़ती भी है। जितना आकर्षित करेगी, खींचेगी, उतना ही फिर लताड़ भी मारती है धर्मराज बन करके। जो आत्माएं कृष्ण के आकर्षण में नहीं आकर्षित होती, एक बाप की ओर खींचती है, जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है, उनको वो लताड़ भी नहीं सकती, न उनको आकर्षित कर सकती और न उनको लताड़ दे सकती। तो ये वंडरफुल हिसाब किताब बना हुआ है। इसलिए बताया नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, फिर बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। क्या प्रूफ है? है सारी दुनिया में अनेक धर्म के फॉलोअर्स हुए, कोई ने भी विश्व की बादशाही प्राप्त नहीं कर पाई। ये तो एक ही आत्मा है जो योग बल से विश्व की बादशाही ले लेती है। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। और चौथा नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। क्या प्रूफ? प्रूफ ये है कि मुरली में तो बोला है शिव बाबा को याद करो, लेकिन ये भी बोला है कि याद करने का सहज रास्ता कौन सा है? नारायण को याद करो। और कभी भी कोई भी पर्सनालिटी के लिए नहीं बोला कि याद करो इसे। मुरली में कभी बोला शंकर को याद करो, कृष्ण को याद करो? नहीं बोला। किसको याद करो? नारायण को याद करो। एक ही पर्सनालिटी, एक ही संसार में पार्टधारी ऐसा है जिसकी सारी दुनिया में कोई भी ग्लानी नहीं है, सब देवताओं की ग्लानी है, कृष्ण की भी ग्लानी है,
जो फर्स्ट क्लास रचना है, भगवान रचयिता की, प्रजापिता की भी ग्लानी है, शंकर की भी ग्लानी है, लेकिन नारायण की कोई ग्लानी नहीं। तो है ही नेक्स्ट टू गॉड, इसलिए एक नाम नहीं लिया है, नेक्स्ट टू गॉड कहने के मामले में चार नाम लिए हैं। और हम लोग बोलते हैं दिव्य गुण का सागर, बाबा है ना, बाबा ना नारायण, वो डिवाइन क्वालिटी बोलते हैं, दिव्य गुण का सागर, श्री बाप और श्री बाबा और नारायण। कौन सी बात है दिव्यो गुण का सागर? क्या है? दिव्य गुण, ओहो दिव्यो गुण का, हाँ हाँ हाँ, दिव्य गुण का सागर, दिव्य गुण का सागर नहीं कहेंगे। न किसी मुरली में बोला है कि मैं दिव्य गुण का सागर हूँ। दिव्य माने देवताई, देवताई गुण होते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण सहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। ये गॉड फादर के गुण नहीं है। अगर गॉड फादर इन गुणों को धारण करने लगे तो स्वर्ग कभी भी प्रख्यात नहीं होगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं। क्या साधु उन्हें कहा जाता है जो इंद्रियों की साधना करते हैं। मैं साधु नहीं हूँ, मैं देवता नहीं हूँ, मैं देवता बनाने के लिए आता हूँ। मेरे गुण देवताओं से भी निराले हैं। क्या अगर मैं सर्वगुण संपन्न बन जाऊं तो ये अवगुण से भरे हुए जो असुर हैं इनको कौन काटेगा मारेगा, इनको कौन खलास करेगा? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। मेरा ये पार्ट नहीं है दिव्य गुण धारण करने का। 16 कला संपूर्ण मैं बन जाऊं ऐसा मेरा गायन नहीं है। मैं तो कलातीत गाया हुआ हूं। मेरी तुलना राम और कृष्ण जो 16-14 कला संपन्न दिखाए जाते हैं उनसे नहीं की जा सकती। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण हो सकता है, मैं तो सूर्य की तरह कलातीत हूं। जैसे सूर्य को कभी कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, मुझे भी कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। मैं अगर संपूर्ण अहिंसक बन जाऊं तो दुनिया में जो हिंसा करने वाले हैं, सुधरने वाले नहीं हैं, इनको क्या देवताएं सुधारेंगे? इनको कौन सुधारेगा? टेढ़ी उंगली किए बगैर घी नहीं निकलता है। इन असुरों को सुधारने के लिए बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अच्छाई में भी बाप और बुराई में भी बाप। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाऊं मैं पक्का स्वदेशी बन जाऊं भारतवासी
भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा कौन मानी जाती है? राम, राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाऊं तो जो मर्यादा हीन है उनसे टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं हूं। मैं भारतवासी पक्का 100% नहीं बनता हूं। बाप विदेशी बनकर आए हैं या स्वदेशी बनकर के आए हैं? क्यों है? विदेशियों की कोई मर्यादा नहीं होती है कि एक पत्नी व्रत धारण करेंगे, नहीं। मैं अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाऊं तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं सकता, क्योंकि मिलना जुलना साकार शरीर से ही होता है, आत्मा आत्मा से नहीं मिलती है फुदक फुदक के। साकार शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा ही मिलना जुलना होता है, मिलन मेला मनाया जाता है। तो ये दिव्य गुण भगवान के गुण नहीं है। वो तो निराला है। और दूसरे गुणों का सागर है एक आदमी, हाँ ये बोले दूसरे गुणों का सागर भगवान नहीं है तो कौन है? दिव्य गुणों का सागर एक भी मुरली में बताया है कि आप अपनी बात भक्ति मार्ग की बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अच्छा ये इनका पूछने का मतलब ये दिव्य गुणों का सागर कौन है? दिव्य गुणों का सागर नारायण है, वो भगवान नहीं है। नारायण देवता है, उसको भगवान नहीं कहेंगे। नारायण तो समुद्र में इसीलिए दिखाया गया है कि संगम युग में जो सर्प की तरह फूंक मारने वाले हैं, फन मारने वाले हैं, ऐसों के बीच में रहते हुए भी आराम से पड़ा रहता है, कोई तकलीफ नहीं रहती है, शांत रहता है, कोई अशांति उसको नहीं होती है। नहीं तो सांपों के बीच में कोई रहना तो क्या टच भी नहीं कर सकता, भाग जाएगा। ऐसे ही शंकर को भी दिखाते हैं, कमर में सांप, बगल में सांप, गले में सांप, सर के ऊपर सांप, लिपटे रहो। सांपों का उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, ये नारायण के पार्ट की ही विशेषता है कि छोटे से छोटे तबके के बीच वालों बीच में भी रह सकता है और बड़े से बड़े तबके वालों के बीच में भी रह सकता है। और सात्विक रूप भी है और उनका तामसी रूप भी है। तामसी रूप इसलिए कि तामसी दुनिया में असुरों को भस्म करना है, और सात्विक रूप इसलिए है कि नारायण जैसी आत्माओं का भी जन्म होता है। ये शंकर के ही पार्ट का काम है। बाबा बोलते हैं दैवी गुण धारण करना, देवता गुण तो दैवीय माने देवताओं के। और बाबा गीता पाठ में सप्ताह में एक दिन संगठन का होता है, शुक्रवार को भी कर सकता है
हां शुक्र है खुदा का बाबा ने तो जितने भी वार हैं उनकी नंबरवार परिभाषा भी दी है गुरुवार नहीं कहना चाहिए क्या कहना चाहिए सद्गुरुवार किसका वार है सद्गुरु का वार है सोमवार को नहीं कहा सद्गुरुवार शनिवार को मंगलवार को नहीं कहा किसको कहा हां बृहस्पति को कहा और जो रविवार है वो तो सूर्य है सूर्य को रवि कहा जाता है जो रवि है वो रोशनी की यादगार है जैसे भक्ति मार्ग फैलाने वाले जो भी धर्म हैं उनमें बुद्धि की प्रखरता कौन से धर्म में है हां बुद्धि की प्रखरता है तो और ही कान बंद कर लेते हैं ज्ञान सुनने से हैं किसके धर्म में है ऐसे ही ज्ञान मार्ग में तीन ट्यूब से है मुख्य ब्रह्म समाजी ब्रह्मा को फॉलो करने वाले वैष्णव पंथी विष्णु को फॉलो करने वाले और शैव त्रिनेत्री की औलाद बड़े से बड़े ज्ञानी कौन है शैव संप्रदाय जहां से कृष्ण का जन्म होता है कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है तो सूर्य ज्ञान की प्रखरता का सूचक है इसलिए रविवार को वो अपना मुख्य वार मानते हैं और भारत में सोमवार को चंद्रवार कहा जाता है क्योंकि जो भगवान का पार्ट है साकार पार्ट शंकर उसमें भी मस्तक पर कौन विराजमान है चंद्रमा विराजमान है तो उसका वार है सोमवार हम मुसलमान लोग जामा मस्जिद में जाते हैं कौन से दिन जाते हैं शुक्रवार को जुम्मा जुम्मा तो बाबा की मना नहीं है शुक्रवार को कोई रखना चाहे शुक्रवार को रखे संगठन शनिवार को रखना चाहे तो शनिचर देवता भी है हैं बुद्ध देवता नहीं है हां बुद्ध भगवान का अवतार नहीं माना जाता और है भक्तिमार्ग में गणेश जी का वार बोलते हैं क्या बुधवार हां बुद्धि का देवता है और माउंट आबू पाकिस्तान के एकदम पास में है हैं माउंट आबू पाकिस्तान के पास में फिर भी सेफ क्यों बता रहे हैं क्या है बॉर्डर में है ना सुरक्षित क्यों है माना तो माउंट आबू में बोले ना उसका विनाश लास्ट में होगा होगा तो वो तो पाकिस्तान के एकदम पास में है तो ये होने से तो पहले विनाश होना चाहिए उसका कैसे विनाश होना वो जानते हैं क्या यहाँ रेगिस्तान में कोई खास काम हो रहा होगा
वो थोड़े ही जानते हैं। और पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता थोड़े ही है कि हिंदुस्तान को खलास कर सके। यहाँ तो भगवान आया हुआ है, है? उनके पास एटम बम्बियां हैं, जो महाशक्तियां हैं रूस और अमेरिका और चीन, उनके पास बड़ा बड़ा मसाला है। हिंदुस्तान को तो उन्होंने छोटा छोटा दे दिया, लो खेलते रहो। तो जानते हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बड़े से बड़ा बम यहाँ कौन सा है तो उनको पता ही नहीं है। बड़े से बड़ा बम है परमात्मा बम, जो फूटेगा तो सारी दुनिया की बुद्धि कहाँ ही लग जाएगी, माउंट आबू में। बड़े से बड़ा तीर्थ बन जाएगा, जो भी छोटे मोटे मंदिर मस्जिद गिरजाघर टिकाने आदि बने हुए हैं वो सब धराशायी होने लग पड़ेंगे। लोग समझ जाएंगे सच्चाई क्या है। हमको उत्तर नहीं मिला। वो कागज की चिट्ठी तुम्हें सामने चाहिए कि चैतन्य चाहिए? वो तो आ जाता है बार बार। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है कि जो बाबा ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्य हैं, चलो पूरा ज्ञान कोई न भी समझे, एक एक वाक्यों का अर्थ भी न समझे, लेकिन ब्रह्मा के मुख से जो निकले हुए महावाक्य हैं वो महावाक्य ही बोल दे तो ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। वो ब्रह्मा के शस्त्र हैं। उसके सामने सब देवताओं को झुकना पड़े, असुरों को भी झुकना पड़े, और वो असुर भी धारण कर सकते हैं। क्या आसुरी आत्माएं भी ब्रह्मा के महावाक्य रूपी ब्रह्मास्त्र को संत कर सकती हैं, धारण कर सकती हैं? हाँ हाँ, सोल के लिए लागू होता है, या सोल के साथ शरीर भी है, तो आधा हिस्सा किसका हो गया? जब नाम होता है, नाम होता है, मान होता है, शान होती है, तो शरीर के लिए नाम होता है या आत्मा का नाम होता है? शरीर के ऊपर नाम पड़ता है, नाम किस आधार पर पड़ता है? तो काम करने वाला आत्मा या शरीर? शरीर होगा तो काम होगा, शरीर नहीं होगा तो काम नहीं होगा, तो भागीदार हो गए दोनों। क्या इसलिए आधा आधा बांट लिया? अच्छा अच्छा, बेहद का बाप तुम भी, बेहद का बाप हम भी। और है लोग बोलता है 2012 साल में बिना जो माया सभ्यता की कैसेट निकली है वो कैसेट दुनिया वाले ज्योतिषियों के आधार पर निकली है, और दुनियावी ज्योतिषी जो हैं वो जड़ ग्रह उपग्रहों के आधार पर
फैसला लेते हैं और हम बच्चे तो जानते हैं कि जड़ में ज्यादा ताकत होती है या चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है. चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है. तो पहले दुनिया के परिवर्तन में चैतन्य आगे आगे काम करेगा या जड़ आगे आगे काम करेगा? चैतन्य आगे काम करता है, हम जानते हैं कि वो जड़ सितारे हैं, जड़ ग्रह उपग्रह हैं, और हम बच्चे धरती के चैतन्य सितारे हैं, चैतन्य ग्रह उपग्रह हैं. यहाँ ज्ञान चंद्रमा भी है, यहाँ ज्ञान की धरणी भी है. शुक्र बुद्ध सब हैं जिनके आधार पर यहाँ का कैलकुलेशन होता है. तो उन्होंने जो जड़ कैलकुलेशन के आधार पर फैसला किया है उनको तो पता नहीं है कि चैतन्य आत्मा ही वाइब्रेशन को बनाने और बिगाड़ने वाली है. चैतन्य आत्माओं के वाइब्रेशन के आधार पर ये जड़ ग्रह उपग्रह अपना कार्य करते हैं. तो माया सभ्यता में 2012 में जो पृथ्वी की धुरी चेंज करने की बात आई है वो पृथ्वी जड़ नहीं है, जड़ हो ही नहीं सकती. 2012 में कौन सी होगी? चैतन्य धरणी होगी. चैतन्य धरणी धारणा शक्ति दुर्योधन दुशासन पुरुष नहीं हो सकते. कौन हो सकती है? कन्याएं माताएं हो सकती है. और कन्याओं माताओं में भी कोई एक ऐसी कन्या माता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाली कि अपनी पर उतर आए तो कुछ भी कर सकती है. तो उसके लिए 12 वर्ष का कैलकुलेशन लगाया है. 99 में द्वापर युगी शूटिंग का अंत हुआ था. चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं के हिसाब से 1999. हाँ, तो 1999 के बाद 12-13 वर्ष का या 14 वर्ष का पांडवों का या राम संप्रदाय का वनवास गाया हुआ है शास्त्रों में. वो वनवास पूरा होता है और पृथ्वी की धुरी चेंज हो सकती है. बाकी जड़ पृथ्वी में कोई ऐसा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अंतर तो होता है. और शांति को दिव्य संकट से बना है तो एक है बुद्धिजोग से बना श्री चित्र, और श्री चित्र जो बुद्धिजोग से बना है वो लिमिट तो कौन सा बाबा? रमेश भाई और माता जी पूछ रहे तो ये गौन पर खाने से कुछ होगा क्या? खाना मारा है ना खाने के लिए घर में खाने से सूर्य ग्रहण के लिए या चंद्र ग्रहण के लिए खाने की तो बात बहुत बड़ी हो गई, देखना भी नहीं है. क्या देखना भी नहीं है? क्योंकि वो तो जड़ सूर्य और जड़ चंद्रमा को मानते हैं और हम जानते हैं कि जड़ सूर्य की बात नहीं है,
कोई चैतन्य आत्मा है पुरुषार्थी जीवन में, जिसके लिए गीता में कहा गया है कि भगवान जब आते हैं तो सूर्य को पहले पहले ज्ञान देते हैं। वो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली साकार मुकर्रथ वाली आत्मा को विकारों का ग्रहण लगता है। काय का विकारों का ग्रहण लगता है, और जब उसे विकारों का ग्रहण लगे तो कोई कुत्ते की तरह सूंगा सांगी करे, क्या कर रहा है, ये हो रहा है, अच्छा तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, पाप ही का भागीदार बन जाएगा। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने वो बात बना दी है, क्या कि वो सूर्य को देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे, है अज्ञान अंधे की अंधा अंधकार में जाने की बात, उन्होंने वो बात लगा दी। ऐसे ही खाने की बात है, जो भोजन है एक होता है हद का भोजन और एक होता है बेहद का भोजन। जो बेहद का भोजन है वो स्नेह है, और इसने आत्मा का भोजन, आत्मा जिससे तृप्त होती है वो स्नेह का भोजन है, और वो स्नेह का भोजन साकार से ही मिलता है, निराकार से भोजन नहीं मिलता है। तो जो साकार से भोजन मिलता है वो भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको तो पहले से ही ग्रहण लगा हुआ है। काहे का विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, तो भक्ति मार्ग में मान्यता है कि उपवास करो, उपवास करो और याद में रहो ताकि ग्रहण छूट जाए। क्या करो, याद का दान दो, दे दान तो छूटे ग्रहण। और चिल्लाते भी कौन है, जोर से चिल्लाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। जो मरघटा होता है ना, वहां जो चांडाल होते हैं वो चिल्लाते हैं को सूर्य को ग्रहण लग रहा है, अब क्या करो, बुद्धियोग का दान दो तो वातावरण सुधर जाए और ग्रहण छूट जाए। वास्तव में ग्रहण क्या है वो तो कई बार बता दिया, क्या है ग्रहण सूर्य के ऊपर, ये बुद्धों की बात है कि सूर्य को ग्रहण लगता है। सूर्य तो आग का गोला है, रोशनी का बड़ा भारी पुंज है, उसमें अज्ञान कहाँ से आ जाएगा। ये तो पृथ्वी का परछाया पड़ता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा और एक तरफ पृथ्वी, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, क्या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के ऊपर आधे हिस्से में सूर्य की रोशनी पड़ती है और चंद्रमा का आधा हिस्सा अंधेरा हो जाता है, उसका परछाया पृथ्वी पर पड़ता है। पृथ्वी के जिस भाग पर वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का परछाया पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ब्रह्मा की बुद्धि अपनी है ना, बच्चा बुद्धि,
तो जिस हिस्से पर उनका प्रभाव पड़ता है वो प्रभावित हुई आत्माएं समझती हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। वास्तव में चंद्रमा प्रभावित हुआ है, चंद्रमा के प्रभावित होने से पृथ्वी के ऊपर जो परछाया पड़ा जिन लोगों के ऊपर वो अंधेरे में आ गए, वो खुद अंधेरे में आ गए हैं, अनिश्चय बुद्धि हो गए हैं, सूर्य उनको दिखाई नहीं पड़ता है और क्या कहते हैं सूर्य को विकार लग गए, अंधेरे में आ गया। अरे सूर्य कैसे अंधेरे में आ जाएगा, चंद्रमा को ग्रहण लग सकता है, सूर्य को ग्रहण लगने की बात नहीं है। सूर्य के ऊपर कोई का परछाया नहीं पड़ता, वो किसी से प्रभावित नहीं होता। और आत्माएं निश्चय अनिश्चय के चक्र से प्रभावित होती हैं। एक आत्मा है जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में कभी नहीं आती है। हाँ क्रिश्चियन क्या कहते हैं, क्रिश्चियन क्राइस्ट के अलावा और किसी को ज्यादा रोशनी वाला मानेंगे है? तो उनके लिए वही सूर्य हो गया। इस्लामी क्या कहते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, किसको मानते हैं, अब्राहिम को मानते थे, बाद में मोहम्मद को मानते हैं कि वो जितना ज्ञान की रोशनी में रहने वाला है उतना दुनिया में कोई नहीं है। तो अनेक सूर्य हो गए ना, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, क्रिश्चियन लोग तो कृष्ण को थोड़ा बहुत मानता है। हाँ वो इसीलिए मानता है कि क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलती है। और 2036 में सत्युग आएगा, तो भक्ति मार्ग के हिसाब से 5000 साल बाद कृष्ण का जन्म है, वापस गया तो द्वापर कृष्ण चक्र के हिसाब से या तो वापस द्वापर आना चाहिए या वापस कलयुग आना चाहिए। 5000 साल हुआ कृष्ण का जन्म हुआ भक्ति मार्ग के हिसाब से, और भक्ति मार्ग के हिसाब से, भक्ति मार्ग के वालों के पास कोई हिसाब ही नहीं है। 1,32,000 बस बोलते हैं, बाकी कल 5,216 साल उन को कहाँ मालूम है। नहीं नहीं वो महाभारत के हिसाब से बताते हैं कि महाभारत को 5,000 वर्ष हुए, तो महाभारत का टाइम पर ही कृष्ण का जन्म दिखाते हैं, समझा। इसलिए जिस भक्ति मार्ग के कृष्ण का वो जन्म दिखाते हैं महाभारत के टाइम पर, वो महाभारत और राम का जो जन्म त्रेता में दिखाते हैं वो त्रेता युग, वो द्वापर युग, और नारायण का जो जन्म दिखाते हैं सत्ययुग, वो सब बातें हैं कहाँ की, उनके पास तो सही हिस्ट्री है ही नहीं। अगर कृष्ण द्वापर में आया होता अंत में, द्वापर के अंत में, तो क्या भगवान पापी कलयुग की स्थापना करने आता है, कौन मानेगा ऐसे को भगवान। हिसाब छोड़ दें, अज्ञानियों का हिसाब क्यों उठाए, वो भक्ति मार्ग का हिसाब कोई किताब नहीं है उनकी, सही एक मनुष्य की बनाई हुई किताब नहीं है। कितनों ने बनाई, अनेकों मनुष्यों ने बनाई, तुंडे तुंडे मैं तेरी भिन्ना। ये रावण राज्य है, किसी को सच्चाई का पता नहीं है। 4,32,000 साल का कलयुग शास्त्रों में जो बताते हैं वो बताने वाले एक हैं या अनेक हैं, तो अनेकों की बात सच्ची होगी या एक भगवान की बात सच्ची होगी। भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और मनुष्य सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, पूर्व जन्म की बात भूल जाते हैं, और मनुष्य जन्म बाई जन्म कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी
परसेंटेज बढ़ता जाता है घटता जाता है और ही ज्यादा बढ़ता जाता है। तो बुद्धि जब विकारी बन गई तो शास्त्रों के अर्थ खराब कर देंगे, निरर्थक बनाए देंगे शास्त्रों को, या सार्थक बनाएंगे, निरर्थक बना दिया इंटरप्रिटेशन करके। शुरुआत में जो शास्त्र थे उनमें फिर भी सच्चाई थी, पहले 1,00,000 से भी कम श्लोक थे महाभारत में, अब महाभारत के 4,00,000 से भी ज्यादा श्लोक है। कितना करप्शन एडल्ट्रेशन निक्षेपी की हुई है, इसलिए हिस्ट्री को देखना चाहिए। गीता तो शुद्ध है, गीता बिल्कुल शुद्ध है, अब यहाँ गीता ज्ञान सुनने की कोई दरकार नहीं है, वो कागज की ही गीता सुननी चाहिए। हैं? अरे यहाँ तो बीके वालों की भी कागज की गीता छोड़े बैठे हैं, वो भी झूठी हो गई। क्यों झूठी हो गई? इसलिए झूठी हो गई कि उसका इंटरप्रिटेशन अनेकों के द्वारा किया जा रहा है। हमें तो गीतापति भगवान वो चाहिए जिसका एक एक इंटरप्रिटेशन, एक एक वाक्य का इंटरप्रिटेशन सारी गीता से मिले। शास्त्रों में एक बात दूसरे श्लोक की बात, दूसरे शास्त्र की बात दूसरे शास्त्र से काट रही है। भगवान सत्य है, सत्य एक बोलेगा या दो चार तरह से बोलेगा, एक ही बोलेगा, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। भगवान एक है, उसकी भाषा भी एक है, उसका अर्थ भी एक ही है, बाकी सब अनर्थ है। एक एक वाक्य का अर्थ है, जितनी भी मुरलियां सुनाई गईं, जिन्हें ब्रह्मा मुख से निकली हुई वेदवाणी कहा जाता है, वो किसी भी मुरली के महावाक्य से टैली होगा। अगर टैली नहीं होता है तो भगवान की वाणी नहीं है। हाँ, अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, जैसे मुरली में बोला है नारायण तो बुद्धू है, फिर दूसरी मुरली बोला नारायण तो समझदार है, तब तो विश्व का मालिक है। न समझ पाने के कारण अर्थ का अनर्थ कर देंगे, जानते ही नहीं है कि संगम युग ही नारायण अलग है और सतयुग का 16 कला संपूर्ण नारायण अलग है। इस अर्थ को न जानने के कारण अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, और ये अर्थ, अर्थ सुनाना, अर्थ बताना, ये टीचर का काम है। टीचर अनेक हो सकते हैं लेकिन सुप्रीम टीचर एक ही है, वो बाप भी है, वो टीचर भी है, वो सदगुरु भी है। सुप्रीम गुरु है, उसकी सदगति कोई नहीं कर सकता। सुप्रीम सदगुरु का मतलब क्या हुआ? वो सबकी सदगति करेगा, बुद्धि की, बुद्ध रूपी आत्मा की, लेकिन उसकी सदगति कोई नहीं कर सकता। वो सुप्रीम टीचर है, वो टीच कर सकता है सबको, उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। क्या पीछे से भले चिल्लाते रहे, कुछ भी बोले, ग्लानिंग करते रहे,
लेकिन सामने आके कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सुप्रीम बाप है। बीज बोने वाले को बाप कहा जाता है। बाप के द्वारा ही बच्चे का परिचय मिलता है। बाप माँ के द्वारा परिचय दिलाता है। माता है गीता, गीता के महावाक्यों के द्वारा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अपने अपने स्वरूप का पता चलेगा। सब अपने स्वरूप को पहचानेंगे, मैं कौन सा पार्टधारी हूँ, रंगमंच पर मेरा मुख्य पार्ट क्या है। और जो आवाज निकलती है उसे कहते हैं सुर। सात सुर माने जाते हैं, सा रे गा मा, और ऊंचा ऊंचा सुर होता जा रहा है ना, तो वो सुर है। माना जिसकी ऊंची ताल में बाप बोलता है उसी ऊंची ताल में बच्चों को भी बोलना चाहिए। बाप और बाप के परिवार के जो भी भांति है सबका सुर एक होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जैसे भाणों की मंडली होती है, जब भाण रात में अपने तरीके से नाच गाना करते हैं तो एक का सुर ऊंचा और एक का सुर नीचा, एक का सुर मोटा एक का सुर पतला, एक दूसरे की कोई आवाज नहीं मिलती, कोई उसमें वाद्य यंत्र काम ही नहीं करेगा, उसको कहते हैं बेसुरा। और जल्दी लग रहा है आपके मुख से, जल्दी लग रहा है, अभी बहुत दूर है, महलमानियां अटारियां खूब बना लो क्योंकि बहुत दूर है। ब्रह्मा कुमारियां अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाती जा रही है, तो इसलिए बना रही है क्योंकि विनाश अभी बहुत दूर है, इसलिए बड़े बड़े कारखाने बड़े बड़े महलमानियां अटारियां खूब बनाते जाओ, प्रॉपर्टी बढ़ाते चले जाओ। हाँ आप खुद कह रहे हैं विनाश इतनी जल्दी है क्या, अरे अभी आपने क्या बोला, अभी आपने जो बोला उसके हिसाब से अगर विनाश इतना जल्दी है इससे क्या साबित होता है, क्या आप समझते विनाश जल्दी नहीं है। हाँ इतना जल्दी है ऐसा नहीं बोलिए कभी, क्या हाँ अचानक कभी भी शुरुआत हो सकती है, ये रिहर्सल होता रहेगा, एक से बढ़कर के एक रिहर्सल होता रहेगा और हाथ फेल होते रहेंगे। क्या कोई तो बड़े बड़े लंबे चौड़े प्लान बना रहे हैं और अचानक विनाश होगा तो हाथ फेल हो जाएगा, क्यों कारण क्या है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के हाथ फेल क्यों हो रहे हैं, आसाराम बापू के संप्रदाय में क्यों नहीं हाथ फेल हो रहे, रजनीश के फॉलोअर्स में हाथ फेल इतने क्यों नहीं हो रहे, हंसाजी संप्रदाय को फॉलो करने वालों के हाथ फेल, राधा स्वामी को फॉलो करने वालों के हाथ फेल क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा जितना भी ताना बोना हमने बुन करके रखा हुआ है ब्रह्मा बाबा ने और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, वो सब फेल हुआ, इसलिए पढ़ाई पढ़ाते हैं।
अंधेरा कायम रहे, कानों में उंगली दो, बिल्कुल नहीं सुनना, देखना भी नहीं, आंख से आंख भी नहीं मिलाना, बात करना तो दूर, क्योंकि वो अंदर से जान चुके हैं। और जो जो जानते जाते हैं, विश्वास बैठता जाता है कि ये वो सही है और हम पक्के झूठे हैं, बस हार्ट फेल हो गया। टाइम हो गया।